अब मैं ये अदनान भाई आप देख रहे हैं प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, प्यारे प्यारे खूबसूरत लोग बैठे हैं। नहीं बेटा आपकी बात नहीं कर रहा मैं इनमें घुसूंगा और ये आप लोग आपके लिए प्यारे प्यारे सवाल सर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इनायत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एरिश। एरिश यस। ये तो कोई बहुत बर्गर नाम लग रहा है एरिश। क्या मतलब है इसका? रेनबो। ओह मतलब भी इसका काफी बर्गर है। अच्छा ये बताइए कि बर्गर मतलब एक इंग्लिश नाम लग रहा था एरिश। वल्गर कह रहे हैं। नहीं वल्गर कहाँ से लग रहा है यार, ये तो आप दिल का चोर था ये। अच्छा ये बताइए कि क्या सवाल लाई है और किसके लिए लाई है? मैम हाजरा के लिए। पूछे ना मुझे क्यों देख रही है। मैम हाजरा आपको टीपू अंकल का कौन सा करेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? ये अंकल किसको बोला? पहले तो बेटा उनको सबसे पहले तो ये अंकल पसंद नहीं आया। भाभी आप चाय पी लो कि ये हंसी से निकलना है। सवाल क्या था? कि हाजरा मैम आपको टीपू अंकल ब्रैकेट में अंकल का कौन सा रोल अच्छा नहीं लगा? कौन सा रोल? असल में ये करते इतना नेगेटिव रोल है जो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं कहती है कोई रोमांटिक रोल करे। अभी आपने भाभी ये कहा था कि आपको रोमांटिक नहीं पसंद, आप शो में पूछ के करे। अच्छा पूछ के करें। हाँ। तो हर सीन में पूछें बेगम ये वाला है। बेगम अब ठीक है, बेगम अब ठीक है। और किसके पास सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश है। अंश जी। वाह अंश का क्या मतलब होता है? मोहब्बत। तो क्या तुम्हें क्या चीज यहाँ ले आई? आपकी मोहब्बत। मेरा अंश तुम्हें यहाँ ले आया है। तो सवाल है यस सर पूछो ना। मेरा सवाल टीपू सर और भाभी से है कि आप लोग फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? हम लोग जमजमा पार्क की खूबसूरत ग्राउंड में मिले थे वॉक करते हुए। वाह वॉक कर रहे थे? दोनों एक साथ कर रहे थे? अलग अलग? नहीं नहीं अलग। मैं इस ट्रैक पर थी, ये इस ट्रैक पर थे। सही है, गलत ट्रैक पे थे आप। फिर अल्लाह ने मुझे सही ट्रैक पे ले आया। लड़का गलत ट्रैक पे चल रहा था। तो यारी मुलाकात जमजमा पार्क कराची में हुई थी। कैसे हुई थी? भागते हुए जा रहे हैं फिर आप यू कैसे हुई? यार मैं इनकी इनसे पहले इनकी वालदा से मिला है। वो भी जॉगिंग कर रही थी? नहीं वो जॉगिंग नहीं कर रही थी, वो बुजुर्ग थी। ठीक। और मेरे याद थी जैसे ही वर्कशॉप करता था तो मैं एक बनाना शेक का ऑर्डर देता था, तो जैसे मैं जा रहा था तो मेरी मदर बैठी हुई नहीं वो वॉक करते हुए उधर ही जा रही थी जहाँ पे आप लोग बैठे हुए थे, तो एकदम उनका पाँव फंसा था। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया ना अपनी सास का। जी सास का। तो उन्होंने ना मुझे गले लगा के बड़ी मोहब्बत थी। मैंने कहा कि यार ये उनके मुझे अपनी बकायदा वालदा महसूस हुई कि मैंने कहा यार क्या बात है यार दूसरों के बच्चों को भी लोग इतना प्यार करते हैं। ठीक है तो वो चली गई तो वहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे, तो मैं जब जाने लगा तो मैंने उनसे यही बात कहने के लिए आपको बताया ना कि मैं एक्सप्रेस किए बगैर तो रह नहीं सकता। तो मैंने इनको देखा वहीं पर तो मैंने कहा ईमान से घंटी बजी, मैंने कहा अल्लाह ने यही लड़की बनाई है तेरे तेरे लिए। अच्छा आपने उनकी मोहब्बत आंटी की रिटर्न इस तरह की? हाँ। और मैंने अपने आप से कहा अगर खुदा की कसम मैं कहा अगर मेरी इस लड़की से शादी ना आना हुई तो मैं नहीं करूँगा, तो मैं नहीं करूँगा, ये मेरा आखिरी चांस था। अब ये जब मेरी इनसे शादी हुई इन्होंने तब मुझे बताया। आपको नहीं लगता आप ज्यादा जज्बाती हो गए थे? चाहता है कि मेरा सफर अच्छा ना गया। आपने इनका रिश्ता मैं गहराइयों में घुसना चाहता हूँ। आंटी को सास गिर रही थी, आपने उनको संभाला, उन्होंने आपको प्यार मोहब्बत दी, आप उनसे मिलने थैंक यू कहने गए तो आपको भाभी नजर आ गई। बिल्कुल। आपने वहीं फिक्स कर लिया अपने दिमाग को बाबा यही यही। उसके बाद आपने भाभी को कैसे अप्रोच किया? इन्होंने मेरा ड्रामा देख रखा था जिसमें मेरा नाम था पिंटू। सब सेटे देखा। नहीं लेकिन तुम्हारे बाल लंबे लंबे थे। हाँ। ये बड़ी बड़ी इसकी मूछें थी सही है और मुझे नहीं पहचाना जा रहा, तो फिर मैंने गौर से देखा मैंने कहा अच्छा ये तो सबसेट वाला है बिंटू। अच्छा इतने बिंटू बोला तुमने? बिंटू मैं बिंटू कौन है एकदम? अच्छा मैं बिंटू कौन गुस्सा भी आया। मैंने कहा क्या कर बिंटू कौन है? फिर वहां से आपकी बातचीत स्टार्ट हुई आगे बढ़ी।